अच्छा बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है एनालिटिकल टेक्निक्स। एक्चुअली एनालिटिकल टेक्निक्स वो सारी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम मींस के बायोकेमिकल टेस्ट को रन करते हैं, या फिर जितने भी हमारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं ना, LFT RFT, वो मींस के इन्हीं टेक्निक्स के जरिए मींस के वो रन होते हैं। चाहे वो मशीन्स के अंदर रन हो रहे हैं, चाहे वो हमारे पास मैनुअल तरीके से हो रहे हैं, या सेमी मैनुअल या सेमी ऑटोमेटेड तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल टेक्निक्स में आज वो सारी टेक्निक्स होंगी, जिसमें स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री होगी, फ्लेम फोटोमेट्री होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफ्रेसिस हो जाएगा, और इसके अलावा आपको असाइनमेंट भी मीन्स के मिलेगी मेरी तरफ से, जो कि होगी कि आपने सेंट्रीफ्यूज के ऊपर नोट लिखना है, ठीक है, और उसकी टाइप्स लिखनी है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज इटसेल्फ इज अ टेक्निक, ठीक है, जिसे हम वो कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये मोस्टली ब्लड बैंकिंग में यूज होता है, लेकिन जाहिर है हमने ब्लड कंपोनेंट को इधर भी सेपरेट करना होता है, सीरम लेना होता है, प्लाज्मा लेना होता है, सो दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगेशन का जो आपको मेन मेन है ना वो आपको आना चाहिए। फिर जो चीज आपकी कवर नहीं होगी सेंट्रीफ्यूगेशन में, वो फिर मैं आपको इस तरह बता दूंगी लेक्चर में, ठीक है, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली टेक्निक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। अब जितनी भी टेक्निक्स है ना, उन उनका जो हमारा पहला ना मीन्स के जो वर्ड है ना, नेम ही जो टेक्निक है, वही हमारे पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे कि स्पेक्ट्रो मीन्स के लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि हमें पता है, और स्पेक्ट्रम मीन्स वेवलेंथ, ठीक है, फोटो लाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर लाइट की अबिलिटी होती है कि उसमें कोई ना कोई स्पेक्ट्रम होता है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। रेड लाइट की अलहदा होती है, ठीक है, और ग्रीन की अलहदा होती है, पर्पल की अलहदा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जाहिर है, अब हम इंडिविजुअली ये लाइट्स यूज नहीं कर सकते, हम व्हाइट लाइट ही यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर आगे जाके उसको एक मीन्स के मोनोक्रोमेटर में चेंज करना होता है, एक लाइट में चेंज करना होता है, या तो वो रेड होती है या ग्रीन होती है या कोई भी होती है, ठीक है। फिर जब वो लाइट उसमें से गुजरती है ना, तो जाहिर है जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, वो लाइट की एब्जॉर्बेंस दे देता है, और जो लाइट की एब्जॉर्बेंस को हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो हमारे पास ये सारी टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स के दिस टेक्निक डिपेंड अपॉन द क्वालिटीज ऑफ लाइट, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ लाइट में क्या, जो हमने वेवलेंथ इनकी पढ़ी हुई है, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट इज विजिबल पार्ट ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स, ये हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स होती हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट उनका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती है, ठीक है। अब जो व्हाइट लाइट है वो फर्दर मीन्स के डिफरेंट लाइट्स पर कंपोज करती है, जब हम उसको प्रिज्म में से या वाटर में से या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से गुजारते हैं ना, तो डिफरेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इट इज कम्पोज ऑफ मिक्सचर ऑफ एनर्जी वेव इन रेंज ऑफ 400 to 700 nanometer, ठीक है। देन इसके बाद इट इज कम्पोज ऑफ मिक्सचर ऑफ एनर्जी वेव, वो बता दी मैंने, रेड कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। ये जैसा आपको इसलिए बताया, बाकी इसकी वेवलेंथ आपको ऑलरेडी पता होगी कि रेड की कितनी है और वॉयलेट की कितनी है, अलबत्ता इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि जो व्हाइट लाइट है ये विजिबल पार्ट है, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, और इसकी हमारे पास रेंज कितनी होती है, 400 to 700 nanometer, ठीक है। और इसके अलावा द वेवलेंथ कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्पर्स मीडिया सच एज ग्लास वाटर, सच एज वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, अगर एयर में हमारे पास होगा, जैसे कि जब रेनबो बनती है, ठीक है, तो हमारे पास यही होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ना, उसमें से व्हाइट लाइट गुजर रही होती है, तो स्पेक्ट्रम के लिहाज से उसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, ठीक है, और वो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट होकर डिफरेंट लाइट क्रिएट कर देते हैं, जिसमें रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज ये सारे कलर आ जाते हैं, ठीक है। और ग्लास प्रिज्म हम इधर मीन्स के यूज करते हैं, जितनी भी मशीनरी होती है, ठीक है, और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। अ स्पेक्ट्रम कलर इज कंपोज ऑफ सिंगल वेवलेंथ, मोस्ट कलर आर कंपोज ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ, द लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटर लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, और अगर इसमें बहुत से कलर होंगे तो उसको पॉलीक्रोमेटिक कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो मशीन्स होती हैं या जो भी हमारे पास सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स है, ठीक है, उनमें
जितने जितनी भी होती है ना मीन्स के टेक्निक यूज हो रही होती है वो यही हो रही होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, ठीक है। अब द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वेव ऑफ दैट पार्टिकल वेवलेंथ एब्जॉर्ब, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कलर इंटेंसिटी इज नोन एज द कैलोरीमेट्री, ठीक है। When light, अब ये इधर से प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। When light of complementary color is passed through a color fluid, ठीक है। कलर फ्लूड वो हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है, मीन्स के जो हमने रिएजेंट फिल किया हुआ है वो हो सकता है, ठीक है। जिसके साथ सीरम ने जाके इस तरह मिक्स हुआ है, ठीक है, और रिएक्शन काज हुआ है, हमारे पास वो कलर फ्लूड हो सकता है, ठीक है। अब भाई क्या है कि अब जो लाइट उसमें से गुजरी, क्या है कि इट एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट एंड ट्रांसमिट रेस्ट, ठीक है। अब वो जो है ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो जो फ्लूड है, और कुछ को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कलर ऑफ दैट लिक्विड, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस ब्लड एंड बॉडी फ्लूड, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस आर अलाउड टू रिएक्ट विद सर्टेन रिएजेंट टू प्रोड्यूस कलर कंपाउंड। द इंटेंसिटी ऑफ कलर कंपाउंड इज कंपेयर्ड विद इंटेंसिटी ऑफ नॉन सब्सटेंस एंड देन कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड, ठीक हो गया। इसमें ऐसा कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अ फोटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट मेजर लाइट इंटेंसिटी विदाउट कंसंट्रेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये जरा इजीली हो जाता है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो ऊपर वाले उसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ पहले नॉन सब्सटेंस करते हैं और फिर बाद में अननोन सब्सटेंस के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंस्ट्रूमेंट टुडे यूज प्रिज्म डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग और सेपरेट टू सेपरेट इन नैरो रेंज ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हमें उसको पता है, इज इक्वल टू एच वी है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये लाइट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास बीयर्स लॉ, ठीक है। बीयर्स लॉ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये यूनिवर्सिटी में आ जाता होता है, ठीक है। अब बीयर्स लॉ क्या हमें डिस्क्राइब करता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट एब्जॉर्ब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। और इसकी क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। स्मॉल ए इज द मोलर एब्जॉर्बिडिटी, ये सबके लिए कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। लेट सपोज के अगर हम ले रहे हैं सोडियम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मोलर एब्जॉर्बिडिटी उसकी एक रेंज होगी, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। मीन्स के इसमें ए हमारे पास क्या आ देगा, कॉन्स्टेंट आ देगा, ठीक है। जो बी है ये हमारे पास विड्थ ऑफ क्यूबिट होती है। अब जो क्यूबिट होती है ना ये हमारे पास एक तरह का सेल होता है, जिसे कहते हैं छोटी सी डिबिया, ठीक है, जिसमें हमने रिएक्शन सारा करवाना होता है। ये आपने केमिस्ट्री के लैब में देखा होगा क्यूबिट्स, ठीक है। ये हमारे पास ओएसपी में भी पड़ी होती है, ओएसपी में भी पड़ी होती है क्यूबिट, ठीक है। तो क्यूबिट आपने याद रखना कि इसके फंक्शन क्या है, कि ये इसमें भी यूज होता है, ठीक है, मीन्स के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में भी यूज होता है। इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शन हमने मशीन में करवाने होते हैं उसमें क्यूबिट ही यूज होती है, ठीक है। एंड सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल और स्टैंडर्ड, ठीक है। इट मीन्स के ए हमारे पास जो है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जो बी सी है ये हमारे पास वेरिएबल हो जाते हैं। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आइसोलेट इन नैरो वेवलेंथ रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। दोस दैट यूज फिल्टर इज नोन एज द फिल्टर फोटोमीटर, and those who use the prism known as the grating or diffraction grating known as the spectrophotometer, ठीक है, which may be single beam or double beam spectrophotometer, mostly single beam हमारे पास use होता है, ठीक है। a beam of light pass through a monochromator that isolate desired region of spectrum to be used for measurement, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सारा उसने procedure बताया हुआ है कि बीयर्स लॉ ये डिस्क्राइब हो गया। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक लाइट है, मोनोक्रोमेटर लाइट है, लेट्स सपोज कि वो रेड कलर की है, ऑरेंज कलर की है, ग्रीन कलर की, ठीक है, जो भी है। अब उसको क्या है, उसको हम स्लिट से गुजारते हैं, ठीक है। जब स्लिट से गुजारते हैं ना, स्लिट हमारे पास एक मिरर का काम करता है, जिसे कहते हैं ना कन्वेक्स लेंस, उसका काम करता है, वो लाइट को ना एक बीम में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो वो जो लाइट होती है ना, वो अगर तो हम मोनोक्रोमेटर लाइट
यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रिज्म की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिर प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट फर्दर, ठीक है। फिर बाद में वो जो लाइट होती है ना, वो हमारे पास क्यूबिट में से गुजरती है जिसके अंदर हमने वो फ्लूड रखा होता है, ठीक है। फिर वो जो क्यूबिट के आगे हमारे पास डिटेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। फिर डिटेक्टर के ऊपर हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन रीड आउट आ जाती है कि इसमें से कौन सी लाइट कितनी वेवलेंथ पे ट्रांसमिट हो रही है, वो सारा एक ग्राफ आ जाता है, ठीक है। ये है जी हमारा प्रिंसिपल, और ये बीयर्स लॉ भी कवर हो गया, ठीक है। एनी लाइट नॉट एब्जॉर्बड ट्रांसमिटेड टू डिटेक्टर व्हिच इज फोटो सेल और फोटो ट्यूब, ठीक है, या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये तीनों हमारे पास चीजें डिटेक्टर में होती है, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे पास जितनी भी वेवलेंथ होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। अब जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, लाइट, मोनोक्रोमेटर, क्यूबिट, फोटो डिटेक्टर, रीड आउट डिवाइस एंड रिकॉर्डर, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हम इसमें टंगस्टन बल्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूवी रीजन के लिए हम मर्करी लैंप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास मींस के हाईली हमने स्पेसिफिक देखने हैं मेटल आइंस, लेट्स सपोज कि अगर हमने देख लेना है मर्करी देख लेना है, वो हाईली सेंसिटिव में आता है, तो उसके लिए हाई प्रेशर मर्करी लैंप यूज करते हैं, ठीक है। हैलोजन लैंप हैज हायर इंटेंसिटी एंड लॉन्गर लाइफ देन अदर लैंप एंड ऑपरेट फॉर 2,000 to 5,000 hours before replacement, ठीक है। मीन्स के अब तक जो सबसे बेहतरीन लैंप है वो कौन सा है, हेलोजिन लैंप, ठीक है। और ये जरा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन जो सबसे इजीली मिल जाता है ना वो टंगस्टन लाइट बल्ब होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास सबसे बेहतरीन आता है वो हेलोजिन लैंप होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मोनोक्रोमेटर आता है। मोनोक्रोमेटर ये है कि एक लाइट हमारे पास है, ठीक है, व्हाइट लाइट है, उसको हमने एक लाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो हम प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं, वो हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मोनोक्रोमेटर में हम या तो प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक कलर्ड फिल्टर होता है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यूबिट और एब्जॉर्प्टिव सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इस तरह एक डब्बी सी होती है, ठीक है। और ये क्या है कि ग्लास से भी बनी हो सकती है, सिलिका से भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक से भी बनी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ग्लास प्लास्टिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इनकी विड्थ कितनी होती है, 1 centimeter, ठीक है। अब अगर इनको सही तरह से क्लियर नहीं किया जाएगा या इनमें कुछ भी इस तरह हमारे पास डर्ट मटीरियल रह जाएगा, तो वो हमारे पास रिजल्ट को मींस के अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसमें हमारे पास चेंजिंग्स लाएगा। सो क्यूबिट शुड बी क्लीन। नेक्स्ट इज द फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर हमारे पास यहाँ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी हो सकते हैं, ठीक है, या फोटो सेंसर हमने लगाए होते हैं कि जैसे ही वो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है उसकी वेवलेंथ को नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद रीड आउट डिवाइस है। रीड आउट डिवाइस ये होता है कि जितनी भी हमारे पास वेवलेंथ आ रही है वो रीड आउट डिवाइस उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो वो हमारे पास सारी रीडिंग दे देता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम डिटेक्टर इज डिस्प्लेड ऑन सम टाइप ऑफ मीटर और रीडिंग आउट सिस्टम। सम सिस्टम यूज एम्पलीफायर टू इंक्रीज आउटपुट डिटेक्टर, ठीक है। अब स्ट्रे लाइट क्या होती है। स्ट्रे लाइट वो है कि जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रे लाइट इज रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ आउटसाइड ऑफ नैरो बैंड नॉर्मली ट्रांसमिटेड बाय क्रोमेटर, ठीक है। अब एक लाइट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बाहर से जा रही है, ठीक है, जो अंदर हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म यूज कर रहे हैं ना, वहां से जो रेडिएशन जा रहे हैं, जो एक नैरो बैंड है, ठीक है, उससे आउट ऑफ जा रही है, कवरिंग रेंज से आउट ऑफ जा रही है, उसको हम स्ट्रे लाइट कह देंगे, ठीक है। अ परफेक्ट मोनोक्रोमेटर विल ट्रांसमिट लाइट ओनली विद इन इट्स पास बैंड, ठीक है। स्क्रैचिंग एंड डिफ्रेक्टिंग लाइट इन साइड द मोनोक्रोमेटर इंट्रोड्यूस लाइट ऑफ अदर वेव इन टू द एग्जिट बीम। अब है सेकेंड हमारे पास, ये हमारे पास एक हो गई है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री का बस बीयर्स लॉ इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हम एक लाइट लेते हैं, ठीक है, उसको स्लिट में से गुजारते हैं, स्लिट के बाद प्रिज्म में से गुजरती है ताकि वो मोनोक्रोमेटर में चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में से गुजरती है, ठीक है। उसमें से गुजरने के बाद फिर हम उसको सैंपल या क्यूबिट में से गुजारते हैं। क्यूबिट में से गुजरने के बाद फिर वो उसकी जो जितनी भी वेवलेंथ होती है, जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है, एब्जॉर्बेंस लाइट होती है, फिर हमें उधर से पता चल जाती है, ठीक है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री आ गई, मीन्स के जो स्पेक्ट्रम है, लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसके हवाले से हम चाह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड
थिंग हमारे पास आती है फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री ये नाम से ही जाहिर हो रही है कि फ्लेम मीन्स कि हम इसमें हीट देंगे, फोटो मीन्स उस हीट देने की वजह से उसमें कुछ लाइट मीन्स के प्रोड्यूस होगी, और मेट्री मीन्स द डिटेक्शन, मीन्स के फ्लेम फोटोमेट्री इसमें हम विद द हेल्प ऑफ फ्लेम और विद द हेल्प ऑफ फायर हम इसकी एस्टिमेशन करेंगे। इसका क्या, इट इज बेस्ड ऑन, इसका प्रिंसिपल है ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स इमिशन ऑफ लाइट बाय एटम ऑफ मेनी मेटाबॉलिक एलिमेंट विच गिव सफिशिएंट एनर्जी व्हेन एक्साइटेड बाय हॉट फ्लेम, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है ना, सम हाउ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से मिलता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि अगर हम मशीन के पास देखा जाए ना, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम पहले जो सोल्यूशन होता है, जाहिर है हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में होता है ठीक है, तो पहले हम ना उसको हीट देते हैं मशीन के अंदर ही, ठीक है। वो हमारे पास एक नेबुलाइजर होता है, वो आपने पढ़ा ही होगा, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है ठीक है, तो उधर से फिर बाद में इसको हीट मिलती है बर्नर से ठीक है। जैसे ही वो उसको हीट मिलती है तो वो सेमी सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है, उसमें कन्वर्ट होके फिर बाद में उसको मजीद फ्लेम मिलती है आगे जाके ठीक है, और फिर आगे एक लेंस पड़ा होता है ठीक है, तो वो जो एटम होते हैं ना वो लेंस के गो थ्रू होते हुए ठीक है, उसके जो एटम्स होते हैं थर्मली मीन्स के एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है। जब वो थर्मली एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट से जब वो अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल्स के वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे ना एटम, तो हमारे पास क्या होगा कि एक स्पेसिफिक लाइट कलर ऑफ लाइट इमिट होगी ठीक है, जो कि हम फिर बाद में डिटेक्टर के ऊपर नोट डाउन कर लें ठीक है। ये फ्लेम फोटोमेट्री का सारा कुछ, जबकि दूसरे में क्या था, दूसरे में हम फ्लेम नहीं यूज कर रहे, दूसरे में हम डायरेक्टली वेवलेंथ ऑफ मींस के एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस हम नोट डाउन कर रहे ठीक है। द कलर प्रोड्यूस आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल आयन that are present as cation in solution, ठीक है। Example आर ये बहुत अच्छे से याद करने के, lithium हमारे पास red color देती है, sodium yellow, potassium violet and magnesium blue, ठीक है। Under control and constant condition, light intensity and specific wavelength produced by each atom is directly proportional to the number of atoms that are emitting energy, which is proportional to the concentration of substance of interest in samples. इस ये इतना means के ऐसे ये आपकी easiness के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका क्या है कि जितनी means के वो excited state से ground state में जितना आएंगे ना, उतनी stronger wavelength उसकी cover means के create होगी, उतनी ही intensity उसकी ज्यादा होगी ठीक है, और उतना ही फिर हमें रिजल्ट वो डिटेक्टर पे ज्यादा मिल जाएगा ठीक है। अब ये टेक्निक हमारे लिए स्पेशली अल्कली मेटल्स के लिए यूज होती है, लाइक सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, ये आप सबने पढ़ा होगा ठीक है। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कंपाउंड एंड स्टेशनरी फेज ठीक है। ये आपने इसमें पढ़ा होगा कि एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है ठीक है, तो उसके हवाले से फिर जो स्टेशनरी फेज होती है वो तो उधर ही होती है, लेकिन मोबाइल फेज में हम सैंपल यूज कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मीन्स के वो फिर मूव करती है, और फिर हमारे पास एक ग्राफ सा बन जाता है, और फिर ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की ग्राफ आ जाता है, और फिर हम रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं ठीक है। अब इधर जो मोबाइल फेज है लिक्विड विच कैरी कम्प्लेक्स मिक्सचर्स टू स्टेशनरी फेज, दीज आर थ्री टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ठीक है। अजाने वाले फिर मैं नेक्स्ट टेक्निक करवाती हूँ। बच्चों तो अब हमारे पास है टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी मींस के साफ पता चल रहा है, मींस के इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्जेस ठीक है, इलेक्ट्रिक मींस के इलेक्ट्रिक साइड पे हम आ देंगे ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज मूवमेंट ठीक है, चार्ज मूवमेंट के हिसाब से जो डिफ्रेंसिएशन होगी उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग अ रेंज ऑफ आयोनाइज्ड एनालाइट।
इट रेफर टू माइग्रेशन ऑफ चार्ज सोल्यूट्स और पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब इसके डिफरेंट टाइप्स होती है, कुछ जेल इलेक्ट्रोफ्रेजिस होती है, कुछ जोन इलेक्ट्रोफ्रेजिस होती है. ठीक है, सो मोस्टली जो होती है सिंपल इलेक्ट्रोफ्रेजिस को जेल इलेक्ट्रोफ्रेजिस भी कहते हैं. ठीक है, उसमें जेल हमारे पास एग्रोस जेल ज्यादा यूज होती है. ठीक है, और उसमें हमारे पास सेल मींस के जो जेल बनी बनाई होती है उसमें ही सेल पड़े होते हैं. ठीक है, तो हम उसमें मीडियम डाल देते हैं. ठीक है, और फिर बाद में हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास मूवमेंट शुरू हो जाती है आइंस की. ठीक है, फिर स्पेशली जो इलेक्ट्रोफ्रेसिस है ना, ये हमारे पास प्रोटीन के लिए बहुत मींस के यूज होती है, प्रोटीन की एस्टिमेशन के लिए. जोन इलेक्ट्रोफ्रेसिस रेफर एज माइग्रेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड कॉमनली यूज क्लिनिकली. इन दिस चार्ज पार्टिकल मूव एज जोन ऑन अ स्पॉटिंग मीडिया आफ्टर द सैंपल इज मिक्स विद बफर सोल्यूशन. ठीक है, ऑन स्पॉटिंग मीडिया प्रोटीन जोन आर विजुअलाइज when spot media is stained with protein specific stain. ठीक है, अगर हम ये सिंपल ही लाइन है. ठीक है, कि अगर प्रोटीन स्पेसिफिक स्टेन से हम मीन्स के स्पॉट करेंगे तो हमें जो है ना प्रोटीन की मेजरमेंट इजीली मिल जाएगी. ठीक है, द मीडिया इज ड्राइड एंड जोन्स आर क्वांटिफाइड इन द डेंसिटोमीटर. द स्पॉट मीडिया इज ड्राइड एंड कैप्ट एज परमानेंट रिकॉर्ड. ठीक है, इट्स कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रिक फोर्स बफर स्पॉट मीडिया सैंपल एंड डिटेक्टिंग सिस्टम. और अब जो टेक्निक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली आ जाती है. ठीक है, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, ISE. जो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ये डेफिनेशन तो जाहिर हो रहा है कि इसमें आयन होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का पता है आपको, एक एनोड होता है, कैथोड होता है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आयन्स, ठीक है, हमारे पास कुछ सिलेक्टिव आयन्स होंगे अल्कली मेटल्स के. ठीक है, वो हम इसमें मीन्स के मेजर कर सकेंगे. सो ISE ये एक टेक्निक है. ठीक है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और जितने भी हमारे पास एनालिटिकल एनालाइजर होते हैं ना, मींस के स्पेशली जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं, उसमें ये ISE टेक्निक ही यूज की जाती है. ठीक है, सो अ टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल कंसिस्ट ऑफ सिंगल आयोनिक स्पीशीज. ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, और यही मेम्ब्रेन जो होती है ना, जो हमारे पास सिंगल आयोनिक स्पीशी होती है, स्पीशी पे कंसिस्ट कर रही होती है, वो ही हमारे पास इस सारे सिस्टम का हार्ट होती है. ठीक है, अ पोटेंशियल प्रोड्यूस एट मेम्ब्रेन सैंपल सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ आयोनिक एक्टिविटी और आयोनिक कंसेंट्रेशन. ठीक है, मीन्स के जो हमारे पास सैंपल में आइंस पड़े हुए हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन के पास मींस के जो मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास डेवलप हो रहा है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है. मीन्स के अगर आइंस ज्यादा हो रहे हैं तो हमारे पास पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. ठीक है, मेम्ब्रेन इज द हार्ट ऑफ ISE एज इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मेड अप ऑफ ग्लास क्रिस्टलाइन और पॉलीमेरिक मटीरियल. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ ISE, एक वन इज इनडायरेक्ट एंड वन इज डायरेक्ट. ठीक है, इन इनडायरेक्ट ISE सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड टू चैम्बर आफ्टर मिक्सिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट्स. द एडवांटेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम, इट कवर्स द सरफेस ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोड एंड मिनिमाइज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑन इलेक्ट्रोड. इट इज यूज इन हाई थ्रोपुट ऑन टू एनालाइजर, मीन्स के जहाँ हमें बहुत ज्यादा सैंपल रन आउट करने होना, वहाँ इनडायरेक्ट ISE यूज होता है, कि इसमें डाइल्यूएंट हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे ऊपर ना इलेक्ट्रोड के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं आता. ठीक है, वो डाइल्यूएंट जैसे जैसे वो रन करता है, ठीक है, तो वैसे वैसे ही हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती जाती है. ठीक है, ये इधर इनडायरेक्ट नहीं आना, इधर डायरेक्ट आना. While in direct ISE sample introduced into chamber without dilution, और ये जो डायरेक्ट ISE होता है, ये हमारे पास ब्लड गैस एनालाइजर के लिए यूज होता है. ठीक है, ब्लड गैस एनालाइजर क्या हो सकता है? Can anyone tell? जो हम ABGs करवाते हैं ना, उसके लिए हम डायरेक्ट ISE यूज करते हैं. ठीक हो गया, मींस के जो ABGs की मशीन होती है, उसमें हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म चल रहा होता है? डायरेक्ट ISE. ठीक है,
अब इसमें एरर्स क्या क्या चीजें दे सकती है, कंटेमिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड लैक ऑफ एनालिटिकल सिलेक्टिविटी, मीन्स कि अगर पोटेंशियल आप ज्यादा दे रहे हैं लेकिन वो मेम्ब्रेन पे कम आ रहा है, या कुछ भी ऐसे मीन्स के पोटेंशियल के काउंट में थोड़ी बहुत डिफ्रेंसिएशन आ रही है, कंटेमिनेशन आ रही है मेम्ब्रेन की या फिर सैंपल की या कुछ ऐसे भी, तो हमारे पास एरर काज कर सकती है। हाँ, इधर बच्चों ने क्वेश्चन किया हुआ था ये वेवलेंथ का, बेटा ये कंफर्म करके मुझे भी बता देना, क्योंकि मैंने एक ग्राफ से देखा था, ठीक है, वो मैं मीन्स के ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, वो मैं भी गलत हूँ, तो ये कंफर्मेशन आप भी कर लीजिएगा, बाकी मैं भी ना ग्रुप में ग्राफ भेज दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्राफ को देख के ये वर्डिंग बनाई थी। सो ये हमारे पास टेक्निक है जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री हमारे पास ओवरऑल यूज होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक लाइट है, ठीक है, कोई भी लाइट हो सकती है, इस पे मोस्टली हमारे पास व्हाइट लाइट ही होती है, ठीक है, उसको स्लिट से गुजारा जाता है, ठीक है, स्लिट से गुजारने के बाद उसको प्रिज्म या डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग से गुजारा जाता है, ठीक है, फिर बाद में वो हमारे पास एक क्यूबिट होती है, ठीक है, क्यूबिट में सैंपल होता है, सैंपल के अंदर से गुजारा जाता है, और फिर हम ट्रांसमिटेड या अब्सॉर्बेंस लाइट मेयर करके, स्पेशली ट्रांसमिटेड लाइट को मेयर करके, तो फिर हम वो सारी डिटेक्शन दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास फ्लेम फोटोमीट्री हमने पढ़ा, तो फ्लेम फोटोमीट्री में क्या होता है कि हम फ्लेम मीन्स के हीट के थ्रू हम एटम्स को आयोनाइज करवाते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से जैसे ग्राउंड स्टेट में आता है तो स्पेसिफिक वेव कलर ऑफ मीन्स के प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो जो कलर है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है बेटा, मैं ठीक कर लूंगी इसे। और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के डिपेंड करते हुए वो हमारे पास सिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, ऐसा ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये हमारे पास ज्यादा प्रोटीन्स के लिए यूज होती है, लेकिन इधर जो ज्यादा यूज हो रही है वो बियर्स ला मीन्स के स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, बियर्स ला एंड द लास्ट वन जो मैंने आपको पढ़ाई है आईएससी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आईएससी में ज्यादा मेम्ब्रेन का रोल है, आपको टू टाइप्स ऑफ आईएससी पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट का यूज होती है, डायरेक्ट का यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा और हमने कौन सी टेक्निक पढ़ी है, और अगर मीन्स के मैंने छोटी छोटी लिख के दी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको फुल लेंथ करके लिखना है तो आप सेपरेटली इसके कंपोनेंट बना के लिख लेना कि स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में हमारे पास ये कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, सॉरी कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, और फ्लेम फोटोमीट्री में ये कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास अगर आईएससी है तो उसमें मेम्ब्रेन आती है, ठीक है, और एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है, और ये सारा कुछ जो भी है ना फिर आप साथ साथ उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसका सारा कुछ दिया हुआ है ना स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री का, कि इसमें लाइट सोर्स हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यूबिट यूज कर रहे हैं, इवन दैट हम सैंपल की हेडिंग भी दे सकते हैं कि हम इसमें सैंपल कौन सा ले सकते हैं, आया कि हम इसमें सीरम लेंगे, प्लाज्मा लेंगे या कौन सा सैंपल लेंगे। अगर हमारे पास बहुत थिक मींस के सैंपल है, बिलीरुबिन वाला है या कुछ भी ऐसे है कि जिसमें डल्यूशन करनी पड़ रही है, तो फिर वो भी हम एक्सेप्शन डालेंगे कि सीरम अगर बहुत हमें डल्यूट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वो डल्यूटेड लगाएंगे, अदरवाइज दूसरा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की चाहे डल्यूट फॉर्म में लगाएं चाहे सिंपल फॉर्म में लगाएं, रेशियो सेम ही रहती है, लेकिन क्योंकि डल्यूट फॉर्म में वो बिलीरुबिन के पार्टिकल ज्यादा आ जाते हैं या कोई भी स्ट्रे पार्टिकल्स बाहर वाला पार्टिकल आ जाएगा, तो जाहिर है हमारे पास रिजल्ट की खराबी आएगी, ठीक है। और ये हमारे पास हाँ क्रोमेटोग्राफी है, सच बस ये आपको पता होना चाहिए, ये एफएससी में ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसका बस आपको ये पता मोबाइल फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एचपीएलसी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी इसमें से तीन क्वेश्चन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, बियर्स ला, फ्लेम फोटोमीट्री एंड लास्ट वन आईएससी, ठीक है। सो ये हमारा था आज का टॉपिक, बाकी मैं इसको देख लेती हूँ रेड कलर वाले को, ठीक है, एंड होप सो टेस्ट में से अगेन मैं पूछी कोई डिस्कशन नहीं रहेगी, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स रह गए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स करने के बाद